होशे अध्याय एक। यहूदा के राजा उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में और इस्राएल के राजा योआश के पुत्र यारोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। होशे का परिवार। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले पहल बातें की, तब उसने होशे से यह कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। अतः उसने जाकर दिबलैम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया और वह उससे गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने उससे कहा, उसका नाम यिज्रेल रख, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं येहू के घराने को यिज्रेल की हत्या का दंड दूंगा और मैं इस्राएल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। उस समय मैं यिज्रेल की तराई में इस्राएल के धनुष को तोड़ डालूंगा। वह स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसके एक बेटी उत्पन्न हुई। तब यहोवा ने होशे से कहा, उसका नाम लो रुहामा रख, क्योंकि मैं इस्राएल के घराने पर फिर कभी दया करके उनका अपराध किसी प्रकार से क्षमा न करूंगा, परन्तु यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा और उनका उद्धार करूंगा। उनका उद्धार मैं धनुष या तलवार या युद्ध या घोड़ों या सवारों के द्वारा नहीं, परन्तु उनके परमेश्वर यहोवा के द्वारा करूंगा। जब उस स्त्री ने लो रुहामा का दूध छुड़ाया, तब वह गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने कहा, इसका नाम लो अम्मी रख, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो और न मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा। इस्राएल की पुनर्स्थापना। तो भी इस्राएलियों की गिनती समुद्र की रेत की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहोना है, और जिस स्थान में उनसे यह कहा जाता था, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तब यहूदी और इस्राएली दोनों इकट्ठे हो अपना एक प्रधान ठहराकर देश से चले आएंगे, क्योंकि यिज्रेल का दिन प्रसिद्ध होगा। होशे अध्याय दो। इसलिए तुम लोग अपने भाइयों से अम्मी और अपनी बहनों से रुहामा कहो, परमेश्वर के अविश्वासी लोग। अपनी माता से विवाद करो विवाद, क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं और न मैं उसका पति हूँ। वह अपने मुंह पर से अपने छिनालपन को और अपनी छातियों के बीच से व्यभिचारों को अलग करे, नहीं तो मैं उसके वस्त्र उतार कर उसको जन्म के दिन के समान नंगी कर दूंगा और उसको मरुस्थल के समान और मरुभूमि सरीखी बनाऊंगा और उसे प्यास से मार डालूंगा। उसके बच्चों पर भी मैं कुछ दया न करूंगा, क्योंकि वे कुकर्म के बच्चे हैं। उनकी माता ने छिनाला किया है, जिसके गर्भ में वे पड़े उसने लज्जा के योग्य काम किया है। उसने कहा, मेरे यार जो मुझे रोटी पानी ऊन सन तेल और मद देते हैं, मैं उन्हीं के पीछे चलूंगी। इसलिए देखो, मैं उसके मार्ग को कांटों से घेरूंगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वह राह न पा सकेगी। वह अपने यारों के पीछे चलने से भी उन्हें न पाएगी और उन्हें ढूंढने से भी न पाएगी। तब वह कहेगी, मैं अपने पहले पति के पास फिर लौट जाऊंगी, क्योंकि मेरी पहली दशा इस समय की दशा से अच्छी थी। वह यह नहीं जानती थी कि अन्न नया दाखमधु और तेल मैं ही उसे देता था, और उसके लिए वह चांदी सोना जिसको वे बाल देवता के काम में ले आते हैं मैं ही बढ़ाता था। इस कारण मैं अन्न की ऋतु में अपने अन्न को और नए दाखमधु के होने के समय में अपने नए दाखमधु को हर लूंगा, और अपना ऊन और सन भी जिनसे वह अपना तन ढापती हैं मैं छीन लूंगा। अब मैं उसके यारों के सामने उसके तन को उघाड़ूंगा और मेरे हाथ से कोई उसे छुड़ा न सकेगा, और मैं उसके पर्व नए चांद और विश्राम दिन आदि सब नियत समयों के उत्सवों का अंत कर दूंगा। मैं उसकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को, जिनके विषय वह कहती है कि यह मेरे छिनाले की प्राप्ति है जिसे मेरे यारों ने मुझे दी है,
उन्हें ऐसा उजाड़ूंगा कि वे जंगल से हो जाएंगे और वन पशु उन्हें चर डालेंगे। वे दिन जिनमें वह बाल देवताओं के लिए धूप जलाती और नथ और हार पहने अपने यारों के पीछे जाती और मुझ को भूले रहती थी, उन दिनों का दंड मैं उसे दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर की उसके लोगों पर दया। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। वही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा, और वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में अर्थात् मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। और यहोवा की यह वाणी है कि उस समय तू मुझे पति कहेगी और फिर बाली न कहेगी, क्योंकि भविष्य में मैं उसे बाल देवताओं के नाम न लेने दूंगा और न उनके नाम फिर स्मरण में रहेंगे। और उस समय मैं उनके लिए वन पशुओं और आकाश के पक्षियों और भूमि पर के रेंगने वाले जंतुओं के साथ वाचा बांधूंगा, और धनुष और तलवार तोड़कर युद्ध को उनके देश से दूर कर दूंगा, और ऐसा करूंगा कि वे लोग निडर सोया करेंगे। मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, और यह प्रतिज्ञा धार्मिकता और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। यह सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान लेगी। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं आकाश की सुनकर उसको उत्तर दूंगा, और वह पृथ्वी की सुनकर उसे उत्तर देगा, और पृथ्वी अन्न नए दाखमधु और ताजे तेल की सुनकर उनको उत्तर देगी, और वे यिज्रेल को उत्तर देंगे। मैं अपने लिए उसे देश में बोऊंगा और लोरुहामा पर दया करूंगा, और लो अम्मी से कहूंगा तू मेरी प्रजा है, और वह कहेगा हे मेरे परमेश्वर। होशे अध्याय 3। इस्राएल का परमेश्वर की ओर लौटना। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इज़राइली पराये देवताओं की ओर फिरे और किशमिश की टिक्कियों से प्रीति रखते हैं, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जौ देकर मोल लिया। मैंने उससे कहा, तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना, और न तो छिनाला करना और न किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही रहूंगा, क्योंकि इज़राइली बहुत दिन तक बिना राजा बिना हाकिम बिना यज्ञ बिना स्तंभ और बिना येपोद या गृह देवताओं के बैठे रहेंगे। उसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे, और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसकी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। होशे अध्याय 4। इस्राएल के खिलाफ परमेश्वर का आवेश। हे इस्राएलियों, यहोवा का वचन सुनो। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में न तो कुछ सच्चाई है, न कुछ करुणा, और न कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। यहाँ श्राप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघ कर कुकर्म करते हैं, और खून ही खून होता रहता है। इस कारण यह देश विलाप करेगा, और मैदान के जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों समेत उसके सब निवासी कुम्हला जाएंगे, और समुद्र की मछलियां भी नाश हो जाएंगी। देखो, कोई वाद विवाद न करे, न कोई उल्हाना दे, क्योंकि तेरे लोग तो याजकों से वाद विवाद करने वालों के समान हैं। तू दिन दोपहरी ठोकर खाएगा, और रात को भविष्यद्वक्ता भी तेरे साथ ठोकर खाएगा, और मैं तेरी माता का नाश करूंगा। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। जैसे याजक बढ़ते गए, वैसे ही वे मेरे विरुद्ध पाप करते गए। मैं उनके वैभव के बदले उनका अनादर करूंगा,
वे मेरी प्रजा के पाप बलियों को खाते हैं और प्रजा के पापी होने की लालसा करते हैं। इसलिए जो प्रजा की दशा होगी वही याजक की भी होगी। मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा और उनके कामों के अनुकूल उन्हें बदला दूंगा। वे खाएंगे तो सही परंतु तृप्त न होंगे, और वे वेश्यागमन तो करेंगे परंतु न बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया है। इस्राएल की मूर्ति पूजा। वेश्यागमन और दाखमधु और ताजा दाखमधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। मेरी प्रजा के लोग काठ के पुतले से प्रश्न करते हैं और उनकी छड़ी उनको भविष्य बताती है, क्योंकि छिनाला कराने वाली आत्मा ने उन्हें बहकाया है और वे अपने परमेश्वर की अधीनता छोड़कर छिनाला करते हैं। बांज, चिनार और छोटे बांज वृक्षों की छाया अच्छी होती है, इसलिए वे उनके नीचे और पहाड़ों की चोटियों पर यज्ञ करते और टीलों पर धूप जलाते हैं। इस कारण तुम्हारी बेटियां छिनाल और तुम्हारी बहुएं व्यभिचारिणी हो गई है। जब तुम्हारी बेटियां छिनाला और तुम्हारी बहुएं व्यभिचार करें, तब मैं उनको दंड न दूंगा, क्योंकि मनुष्य आप ही वेश्याओं के साथ एकांत में जाते और देवदासियों के साथ ही होकर यज्ञ करते हैं, और जो लोग समझ नहीं रखते वे नाश हो जाएंगे। हे इस्राएल, यद्यपि तू छिनाला करता है तो भी यहूदा दोषी न बने। गिलगाल को न आओ और न बेतावेन को चढ़ जाओ, और यहोवा के जीवन की सौगंध कहकर शपथ न खाओ, क्योंकि इस्राएल ने हठीली बच्चियां के समान हट किया है। क्या अब यहोवा उन्हें भेड़ के बच्चे के समान लंबे चौड़े मैदान में चराएगा? एप्रैम मूर्तों का संगी हो गया है, इसलिए उसको रहने दे। वे जब दाखमधु पी चुकते हैं तब वेश्यागमन करने में लग जाते हैं। उनके प्रधान लोग निरादर होने से अधिक प्रीति रखते हैं। आंधी उनको अपने पंखों में बांधकर उड़ा ले जाएगी, और उनके बलिदानों के कारण वे लज्जित होंगे। होशे अध्याय 5। इस्राएल और यहूदा पर का निकटतम न्याय। हे याजको, यह बात सुनो। हे इस्राएल के घराने, ध्यान देकर सुनो। हे राजा के घराने, तुम भी कान लगाओ, क्योंकि तुम्हारा न्याय किया जाएगा, क्योंकि तुम मिस्पा में फंदा और ताबोर पर लगाया हुआ जाल बन गए हो। उन बिगड़े हुओं ने घोर हत्या की है, इसलिए मैं उन सभी को ताड़ना दूंगा। मैं एप्रैम का भेद जानता हूँ, और इस्राएल की दशा मुझसे छिपी नहीं है। हे एप्रैम, तूने छिनाला किया और इस्राएल अशुद्ध हुआ है। उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है और वे यहोवा को नहीं जानते हैं। इस्राएल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है, और इस्राएल और एप्रैम अपने अधर्म के कारण ठोकर खाएंगे, और यहूदा भी उनके संग ठोकर खाएगा। वे अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर यहोवा को ढूंढने चलेंगे, परंतु वह उनको न मिलेगा, क्योंकि वह उनसे दूर हो गया है। वे व्यभिचार के लड़के जने हैं, इससे उन्होंने यहोवा का विश्वासघात किया है। इस कारण अब चांद उनका और उनके भागों के नाश का कारण होगा। गिबा में नरसिंगा और रामा में तुरही फूको, बेतावेन में ललकार कर कहो, हे बिन्यामीन आगे बढ़। दंड के दिन में एप्रैम उजाड़ हो जाएगा। जिस बात का होना निश्चित है, मैंने उसी का संदेश इस्राएल के सब गोत्रों को दिया है। यहूदा के हाकिम उनके समान हुए हैं जो सीमा बढ़ा लेते हैं। मैं उन पर अपनी जलजलाहट जल के समान उंडेलूंगा। एप्रैम पर अंधेर किया गया है, वह मुकदमा हार गया है, क्योंकि वह जी लगाकर उस आज्ञा पर चला। इसलिए मैं एप्रैम के लिए कीड़े के समान और यहूदा के घराने के लिए सड़ाहट के समान होऊंगा। जब एप्रैम ने अपना रोग और यहूदा ने अपना घाव देखा, तब एप्रैम अश्शूर के पास गया और यारेब राजा को कहला भेजा, परंतु न वह तुम्हें चंगा कर सकता और न तुम्हारा घाव अच्छा कर सकता है, क्योंकि मैं एप्रैम के लिए सिंह और यहूदा के घराने के लिए जवान सिंह बनूंगा। मैं आप ही उन्हें फाड़ कर ले जाऊंगा। जब मैं उठा ले जाऊंगा, तब मेरे पंजे से कोई न छुड़ा सकेगा। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे,
तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा, और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। होशे अध्याय 6। पश्चाताप की बुलाहट। चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही हमें चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। दो दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सींचती है। इस्राएल और यहूदा की पश्चातापहीनता। हे एप्रैम, मैं तुझसे क्या करूँ? हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूँ? तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। इस कारण मैंने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा मानो उन पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें काट डाला और अपने वचनों से उनको घात किया, और मेरा न्याय प्रकाश के समान चमकता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परंतु उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया, उन्होंने वहां मुझसे विश्वासघात किया है। गिलाद नामक गढ़ी तो अनर्थकारियों से भरी है, वह खून से भरी हुई है। जैसे डाकुओं के दल किसी की घात में बैठते हैं, वैसे ही याजकों का दल शेकेम के मार्ग में वध करता है, वरन उन्होंने महापाप भी किया है। इस्राएल के घराने में मैंने रोए खड़े होने का कारण देखा है, उसमें एप्रैम का छिनाला और इस्राएल की अशुद्धता पाई जाती है। राष्ट्रों पर व्यर्थ भरोसा। हे यहूदा, जब मैं अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय के लिए तेरे निमित्त भी बदला ठहराया हुआ है। होशे अध्याय 7। जब मैं इस्राएल को चंगा करता हूँ, तब एप्रैम का अधर्म और सामरिया की बुराइयां प्रकट हो जाती है। वे छल से काम करते हैं, चोर भीतर घुसता और डाकुओं का दल बाहर छीन लेता है, तो भी वे नहीं सोचते कि यहोवा हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता है। इसलिए अब वे अपने कामों के जाल में फंसेंगे, क्योंकि उनके कार्य मेरी दृष्टि में बने हैं। वे राजा को बुराई करने से और हाकिमों को झूठ बोलने से आनंदित करते हैं। वे सब के सब व्यभिचारी हैं, वे उस तंदूर के समान हैं जिसको पकाने वाला गरम करता है, पर जब तक आटा गूंधा नहीं जाता और खमीर से फूल नहीं चुकता, तब तक वह आग को नहीं उकसाता। हमारे राजा के जन्मदिन में हाकिम दाखमधु पीकर चूर हुए, उसने ठट्टा करने वालों से अपना हाथ मिलाया। जब तक वे घात लगाए रहते हैं, तब तक वे अपना मन तंदूर के समान तैयार किए रहते हैं। उनका पकाने वाला रात भर सोता रहता है, वह भोर को तंदूर की धधकती लौ के समान लाल हो जाता है। वे सब के सब तंदूर के समान धधकते और अपने न्यायियों को भस्म करते हैं। उनके सब राजा मारे गए हैं और उनमें से कोई मेरी दुहाई नहीं देता है। एप्रैम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है, एप्रैम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी न गई हो। परदेशियों ने उसका बल तोड़ डाला, परंतु वह इसे नहीं जानता। उसके सिर में कहीं कहीं पके बाल है, परंतु वह इसे भी नहीं जानता। इस्राएल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है। इन सब बातों के रहते हुए भी वे अपने परमेश्वर यहोवा की ओर नहीं फिरे और न उसको ढूंढा है। एप्रैम एक भोली पंडुकी के समान हो गया है जिसके कुछ बुद्धि नहीं। वे मिस्रियों की दुहाई देते और अशूर को चले जाते हैं। जब वे जाए तब उनके ऊपर मैं अपना जाल फैलाऊंगा, मैं उन्हें ऐसा खींच लूंगा जैसे आकाश के पक्षी खींचे जाते हैं। मैं उनको ऐसी ताड़ना दूंगा जैसी उनकी मंडली सुन चुकी है। उन पर हाय, क्योंकि वे मेरे पास से भटक गए, उनका सत्यानाश हो, क्योंकि उन्होंने मुझसे बलवा किया है। मैं तो उन्हें छुड़ाता रहा, परंतु वे मेरे विरुद्ध झूठ बोलते आए हैं।
वे मन से मेरी दुहाई नहीं देते, परन्तु अपने बिछौने पर पड़े हुए हाय हाय करते हैं। वे अन्न और नए दाखमधु पाने के लिए भीड़ लगाते और मुझसे बलवा करते हैं। मैं उनको शिक्षा देता रहा और उनके भुजाओं को बलवंत करता आया हूँ, तो भी वे मेरे विरुद्ध बुरी कल्पना करते हैं। वे फिरते तो हैं, परंतु परम प्रधान की ओर नहीं। वे धोखा देने वाले धनुष के समान हैं, इसलिए उनके हाकिम अपनी क्रोध भरी बातों के कारण तलवार से मारे जाएंगे। मिस्र देश में उनको उपहास में उड़ाए जाने का यही कारण होगा। होशे अध्याय 8। इज़राइल का विधि त्याग। अपने मुंह में नरसिंगा लगा, वह उकाब के समान यहोवा के घर पर झपटेगा, क्योंकि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। वे मुझसे पुकार कर कहेंगे, हे हमारे परमेश्वर, हम इज़राइली लोग तुझे जानते हैं। परंतु इज़राइल ने भलाई को मन से उतार दिया है, शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। वे राजाओं को ठहराते रहे, परंतु मेरी इच्छा से नहीं। वे हाकिमों को भी ठहराते रहे, परंतु मेरे अनजाने में। उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूर्तें बना ली, जिससे वे ही नाश हो जाएं। हे सामरिया, उसने तेरे बछड़े को मन से उतार दिया है। मेरा क्रोध उन पर भड़का है, वे निर्दोष होने में कब तक विलंब करेंगे? यह इज़राइल से हुआ है, एक कारीगर ने उसे बनाया, वह परमेश्वर नहीं है। इस कारण सामरिया का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लवेंगे। उनके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं, न उनकी उपज से कुछ आटा होगा, और यदि हो भी तो परदेशी उसको खा डालेंगे। इज़राइल निकला गया, अब वे अन्य जातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है, क्योंकि वे अश्शूर को ऐसे चले गए जैसा जंगली गधा झुंड से बिछड़ के रहता है। एप्रैम ने यारों को मजदूरी पर रखा है, यद्यपि वे अन्य जातियों में से मजदूर बना कर रखें, तो भी मैं उनको इकट्ठा करूंगा, और वे हाकिमों और राजा के बोझ के कारण घटने लगेंगे। एप्रैम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई हैं, वे ही वेदियां उसके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिख कर दिए, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि भी करते हैं, परंतु उसका फल मांस ही है। वे आप ही उसे खाते हैं, परंतु यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। अब वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। वे मिस्र में लौट जाएंगे, क्योंकि इज़राइल ने अपने कर्ता को भुलाकर महल बनाए और यहूदा ने बहुत से गढ़ वाले नगरों को बसाया है। परंतु मैं उनके नगरों में आग लगाऊंगा और उससे उनके गढ़ भस्म हो जाएंगे। होशे अध्याय 9। इज़राइल के पाप का न्याय। हे इज़राइल, तू देश देश के लोगों के समान आनंद में मगन मत हो, क्योंकि तू अपने परमेश्वर को छोड़कर वेश्या बनी। तूने अन्न के हर एक खलिहान पर छिनाले की कमाई आनंद से ली है। वे न तो खलिहान के अन्न से तृप्त होंगे और न कुंड के दाखमधु से, और नए दाखमधु के घटने से वे धोखा खाएंगे। वे यहोवा के देश में रहने न पाएंगे, परंतु एप्रैम मिस्र में लौट जाएगा और वे अश्शूर में अशुद्ध वस्तुएं खाएंगे। वे यहोवा के लिए दाखमधु का अर्घ न देंगे और न उनके बलिदान उसको भाएंगे। उनकी रोटी शोक करने वालों का सा भोजन ठहरेगी, जितने उसे खाएंगे सब अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भोजन वस्तु उनकी भूख बुझाने ही के लिए होगी। वह यहोवा के भवन में न आ सकेगी। नियत समय के पर्व और यहोवा के उत्सव के दिन तुम क्या करोगे? देखो, वे सत्यनाश होने के डर के मारे चले गए, परंतु वहां मर जाएंगे, और मिस्री उनके शव इकट्ठा करेंगे, और मोप के निवासी उनको मिट्टी देंगे। उनकी मन भावनी चांदी की वस्तुएं बिच्छू पेड़ों के बीच में पड़ेगी और उनके तंबुओं में कांटे उगेगी। दंड के दिन आए हैं, बदला लेने के दिन आए हैं, और इज़राइल यह जान लेगा। उनके बहुत से अधर्म और बड़े द्वेष के कारण भविष्यद्वक्ता तो मूर्ख
और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वह बावला ठहरेगा। एप्रैम का पहरुआ मेरे परमेश्वर के साथ था, पर भविष्यद्वक्ता सब मार्गों में बहेलिये का फंदा है, और वह अपने परमेश्वर के घर में बैरी हुआ है। वे गिबा के दिनों की भांति अत्यंत बिगड़े हैं, इसलिए परमेश्वर उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। मैंने इस्राएल को ऐसा पाया जैसे कोई जंगल में दाख पाए, और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसी दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है। परंतु उन्होंने बालपोर के पास जाकर अपने को लज्जा का कारण होने के लिए अर्पण कर दिया, और जिस पर मोहित हो गए थे वे उसी के समान घिनौने हो गए। एप्रैम का वैभव पक्षी के समान उड़ जाएगा, न तो किसी का जन्म होगा, न किसी को गर्भ रहेगा, और न कोई स्त्री गर्भवती होगी। चाहे वे अपने बच्चों का पालन पोषण कर बड़े भी करें, तो भी मैं उन्हें यहाँ तक निर्वश करूँगा कि कोई भी न बचेगा। जब मैं उनसे दूर हो जाऊँगा तब उन पर हाय। जैसा मैंने सोर को देखा वैसा एप्रैम को भी मनभाऊ स्थान में बसा हुआ देखा, तो भी उसे अपने बच्चों को घातक के सामने ले जाना पड़ेगा। हे यहोवा, उनको दंड दे, तू क्या देगा? यह कि उनकी स्त्रियों के गर्भ गिर जाए और स्तन सूखे रहें। उनकी सारी बुराई गिलगाल में है, वही मैंने उनसे घृणा की। उनके बुरे कामों के कारण मैं उनको अपने घर से निकाल दूंगा और उनसे फिर प्रीति न रखूंगा, क्योंकि उनके सब हाकिम बलवा करने वाले हैं। एप्रैम मारा हुआ है, उनकी जड़ सूख गई, उनमें फल न लगेगा। चाहे उनकी स्त्रियां बच्चे भी जने, तो भी मैं उनके जन्मे हुए दुलारों को मार डालूंगा। मेरा परमेश्वर उनको निकम्मा ठहराएगा, क्योंकि उन्होंने उसकी नहीं सुनी। वे अन्य जातियों के बीच मारे मारे फिरेंगे। होशे अध्याय 10। इस्राएल का पाप और उनकी बंधुआई। इस्राएल एक लहलहाती हुई दाखलता सी है, जिसमें बहुत से फल भी लगे, परंतु जो जो उसके फल बढ़े त्यों त्यों उसने अधिक वेदियां बनाई। जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी वैसे ही वे सुंदर खंभे बनाते गए। उनका मन बटा हुआ है, अब वे दोषी ठहरेंगे। वह उनकी वेदियों को तोड़ डालेगा और उनकी लाटों को टुकड़े टुकड़े करेगा। अब वे कहेंगे, हमारे कोई राजा नहीं है, क्योंकि हमने यहोवा का भय नहीं माना, इसलिए राजा हमारा क्या कर सकता है। वे बातें बनाते और झूठी शपथ खाकर वाचा बांधते हैं, इस कारण खेत की रेघारियों में धतूरे के समान दंड फूले फलेगा। सामरिया के निवासी बेतावेन के बछड़े के लिए डरते रहेंगे, और उसके लोग उसके लिए विलाप करेंगे, और उसके पुजारी जो उसके कारण मगन होते थे उसके प्रताप के लिए इस कारण विलाप करेंगे, क्योंकि वह उनमें से उठ गया है। वह यारेब राजा की भेंट ठहरने के लिए अश्शूर देश में पहुंचाया जाएगा। एप्रैम लज्जित होगा और इज़राइल भी अपनी युक्ति से लज्जाएगा। सामरिया अपने राजा समेत जल के बुलबुले के समान मिट जाएगा। आवेन के ऊंचे स्थान जो इज़राइल के पाप हैं वे नाश होंगे। उनकी वेदियों पर झड़बेरी पेड़ और ऊंट कटारे उगेंगे, और उस समय लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हमको छिपा लो, और टीलों से कि हम पर गिर पड़ो। हे इज़राइल, तू गिबा के दिनों से पाप करता आया है, वे उसी में बने रहे। क्या वे गिबा में कुटिल मनुष्यों के संग लड़ाई में न फंसे? जब मेरी इच्छा होगी तब मैं उन्हें ताड़ना दूंगा, और देश देश के लोग उनके विरुद्ध इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि वे अपने दोनों अधर्मों में फंसे हुए हैं। एप्रैम सीखी हुई बच्चियां हैं जो अन्न दावने से प्रसन्न होती हैं, परंतु मैंने उसकी सुंदर गर्दन पर जुआ रखा है। मैं एप्रैम पर सवार चढ़ाऊंगा, यहूदा हल और याकूब हेंगा खींचेगा। अपने लिए धार्मिकता का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। तुमने दुष्टता के लिए हल जोता और अन्याय का खेत काटा है, और तुमने धोखे का फल खाया है, और यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने कुव्यवहार पर और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा था। इस कारण
तुम्हारे लोगों में हुल्लड़ उठेगा और तुम्हारे सब गढ़ ऐसे नाश किए जाएंगे जैसा बेर्तबेल नगर युद्ध के समय शलमन के द्वारा नाश किया गया। उस समय माताएं अपने बच्चों समेत पटक दी गई थी। तुम्हारी अत्यंत बुराई के कारण बेतेल से भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। भोर होते ही इस्राएल का राजा पूरी रीति से मिट जाएगा। होशे अध्याय 11। इस्राएल के प्रति परमेश्वर का अविरत प्यार। जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, परंतु जितना मैं उनको बुलाता था उतना ही वे मुझसे भागते जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते गए। मैं ही एप्रैम को पाँव पाँव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे न जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूँ। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसा ही मैंने उनसे किया। वह मिस्र देश में लौटने न पाएगा, अश्शूर ही उसका राजा होगा, क्योंकि उसने मेरी ओर फिरने से इनकार कर दिया है। तलवार उनके नगरों में चलेगी और उनके बेड़ों को पूरा नाश करेगी, और यह उनकी युक्तियों के कारण होगा। मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने में लगी रहती है, यद्यपि वे उनको परम प्रधान की ओर बुलाते हैं तो भी उनमें से कोई भी मेरी महिमा नहीं करता। हे एप्रैम, मैं तुझे क्यों छोड़ दूँ? हे इस्राएल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूँ? मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूँ और सबोईम के समान कर दूँ? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। मैं अपने क्रोध को भड़कने न दूंगा और न मैं फिर एप्रैम को नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूँ। मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूँ, मैं क्रोध करके न आऊंगा। वे यहोवा के पीछे पीछे चलेंगे, वह तो सिंह के समान गरजेगा और तेरे लड़के पश्चिम दिशा से थरथराते हुए आएंगे। वे मिस्र से चिड़ियों के समान और अश्शूर के देश से पंडुकी की भांति थरथराते हुए आएंगे, और मैं उनको उन्हीं के घरों में बसा दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। एप्रैम ने मिथ्या से और इस्राएल के घराने ने छल से मुझे घेर रखा है, और यहूदा अब तक पवित्र और विश्वासियों के परमेश्वर की ओर चंचल बना रहता है। होशे अध्याय 12। यहूदा के पाप पर परमेश्वर का क्रोध। एप्रैम वायु चराना और पुरवाई का पीछा करता रहता है, वह लगातार झूठ और उत्पात को बढ़ाता रहता है। वे अश्शूर के साथ वाचा बांधते और मिस्र में तेल भेजते हैं। यहूदा के साथ भी यहोवा का मुकदमा है, और वह याकूब को उसके चालचलन के अनुसार दंड देगा। उसके कामों के अनुसार वह उसको बदला देगा। अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा, और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। वह दूत से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उसने गिड़गिड़ाकर विनती की। बेतेल में वह उसको मिला और वही उसने हमसे बातें की। यहोवा सेनाओं का परमेश्वर, जिसका स्मरण यहोवा नाम से होता है, इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर, कृपा और न्याय के काम करता रह और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोहता रहे। वह व्यापारी है और उसके हाथ में छल का तराजू है, अंधेर करना ही उसको भाता है। एप्रैम कहता है, मैं धनी हो गया, मैंने संपत्ति प्राप्त की है, मेरे किसी काम में ऐसा अधर्म नहीं पाया गया जिससे पाप लगे। मैं यहोवा मिस्र देश ही से तेरा परमेश्वर हूँ। मैं फिर तुझे तम्बुओं में ऐसा बसाऊंगा जैसा नियत पर्व के दिनों में हुआ करता है। मैंने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देता रहा, और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहता आया हूँ। क्या गिलाद को कर्मी नहीं? वे पूरे छली हो गए हैं। गिलगाल में बैल बलि किए जाते हैं, वरन उनकी वेदियाँ उन ढेरों के समान हैं जो खेत की रेघारियों के पास हो। याकूब आराम के मैदान में भाग गया था, वहाँ इस्राएल ने एक पत्नी के लिए सेवा की, और पत्नी के लिए वह चरवाही करता था।
एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा यहोवा इस्राएल को मिस्र से निकाल ले आया और भविष्यद्वक्ता ही के द्वारा उसकी रक्षा हुई। एप्रैम ने अत्यंत रिस दिलाई है, इसलिए उसका किया हुआ खून उसी के ऊपर बना रहेगा, और उसने अपने परमेश्वर के नाम में जो बट्टा लगाया है वह उसी को लौटाया जाएगा। होशे अध्याय 13। इस्राएल पर कठोर न्याय। जब एप्रैम बोलता था तब लोग कांपते थे, और वह इस्राएल में बड़ा था, परंतु जब वह बाल के कारण दोषी हो गया तब वह मर गया। और अब वे लोग पाप पर पाप बढ़ाते जाते हैं और अपनी बुद्धि से चांदी ढालकर ऐसी मूर्तें बनाते हैं जो कारीगरों ही से बनी। उन्हीं के विषय लोग कहते हैं, जो नरमेध करे वे बछड़ों को चूमे। इस कारण वे भोर के मेघ, तड़के सूख जाने वाली ओस, खलिहान पर से आंधी के मारे उड़ने वाली भूसी या चिमनी से निकलते हुए धुएं के समान होंगे। मिस्र देश ही से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके न जानना, क्योंकि मेरे सिवा कोई तेरा उद्धारकर्ता नहीं है। मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था, परंतु जब इस्राएली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया, इस कारण वे मुझ को भूल गए। इसलिए मैं उनके लिए सिंह सा बना हूँ, मैं चीते के समान उनके मार्ग में घात लगाए रहूँगा। मैं बच्चे छीनी हुई रीछनी के समान बनकर उनको मिलूँगा और उनके हृदय की झिल्ली को फाड़ूंगा और सिंह के समान उनको वहीं खा डालूँगा, जैसे वन पशु उनको फाड़ डाले। हे इस्राएल, तेरे विनाश का कारण यह है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। अब तेरा राजा कहाँ रहा कि तेरे सब नगरों में वह तुझे बचाए, और तेरे न्यायी कहाँ रहे जिनके विषय में तूने कहा था, मेरे लिए राजा और हाकिम ठहरा दे। मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाए और फिर जलजलाहट में आकर उनको हटा भी दिया। एप्रैम का अधर्म गठा हुआ है, उनका पाप संचय किया हुआ है, उसको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी, परंतु वह निर्भुति लड़का है जो जन्म लेने में देर करता है। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरी नाश करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। चाहे वह अपने भाइयों से अधिक फूले फले, तो भी पुरवाई उस पर चलेगी और यहोवा की ओर से मरुस्थल से आएगी, और उसका कुंड सूखेगा और उसका सोता निर्जल हो जाएगा। उसकी रखी हुई सब मन भावनी वस्तुएं वह लूट ले जाएगा। सामरिया दोषी ठहरेगा, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर से बलवा किया है। वे तलवार से मारे जाएंगे, उनके बच्चे पटके जाएंगे और उनकी गर्भवती स्त्रियां चीर डाली जाएंगी। होशे अध्याय 14। अंत में इस्राएल की पुनर्स्थापना। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। अश्शूर हमारा उद्धार न करेगा, हम घोड़ों पर सवार न होंगे, और न हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे, तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेंतमेंत उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इज़राइल के लिए ओस के समान होऊंगा, मैं सोसन के समान फूले फलेगा और लबानोन के समान जड़ फैलाएगा। उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे, वे दाखलता के समान फूले फलेंगे और उसकी कीर्ति लबानोन के दाखमधु की सी होगी। एप्रैम कहेगा, मूर्तों से अब मेरा और क्या काम? मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा। मैं हरे सनोवर सा हूँ, मुझी से तू फल पाया करेगा। जो बुद्धिमान हो
वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा। क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परन्तु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे।